निखिल विज से बात हो सकती है जी? आपने MTB 26T के गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप सब बढ़िया हो। यहाँ पे भी ठीक चल रहा है। और मतलब अल्मोड़े में ना 3 दिन से हाई अलर्ट था और यहाँ पे बहुत बारिश पड़ रही है काफ़ी। कल रात से तो कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है और अभी भी बारिश ही हो रही है बाहर पे। अभी तो रुकी है, वरना मॉर्निंग से बारिश ही पड़ रही थी। और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया तो मैंने बोला चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना। और आज का ब्लॉग मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे कि मतलब मेरी वीडियोज़ ने जो यूट्यूब में मैंने डाली है उनमें कॉपीराइट्स आ गए हैं, तो मैं सोचता तो धीरे धीरे उनको कॉपीराइट हटाते हैं। और इस पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं नो कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करता हूँ और उसके बाद भी कॉपीराइट आ जाता है। पता नहीं ये क्या सिस्टम है यूट्यूब का। तो देखते हैं कौन कौन सी वीडियोज़ में कॉपीराइट लगाए और फिर उसके बाद उनको रिमूव करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग से आगे। तो गाइज़ आप देख सकते हो एक मैंने इस वीडियो में कॉपीराइट आ रहा, इसको देखते हैं काफ़ी आ रहा इसका। इसमें भी जबकि मैंने नो कॉपीराइट म्यूज़िक डाला था, नहीं कैसे आ जाता है इसका, तो जो थोड़ा सा ही आ रहा है, इसको रिमूव करते हैं अब। गाइस पता है सीन क्या हो रहा है, जैसे कि ये है ना, इतने में कॉपीराइट लगा है मेरे, ठीक है। और जब मैं इस वीडियो के अंदर जा रहा हूँ ना, मतलब चेंज करने के लिए सॉन्ग या रिप्लेस करने के लिए, तो ये देखिए पूरा कॉपीराइट लगा है, पूरा का पूरा। और जबकि मैंने नो कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करा था इसमें। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो इसके बारे में ज़रूर बताना मुझे, मैं इस वीडियो को ही स्किप करता हूँ वरना वीडियो ख़राब हो जाएगी पूरी। गाइस कंप्लीट हो चुका है और मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी वीडियोज़ में लगा था और प्रोसेस हो रही वीडियो, और उनको हटने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब एक आधा घंटा लगता ही लगता है। मतलब कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हम बोल रहे होते हैं और कॉपीराइट के चक्कर में वो भी हट जाता है, तो कभी आगे पीछे वीडियोस हो जाती है। मैं 2-3 वीडियोस में मेरे साथ हुआ है ऐसा, तो दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी वीडियोस में अभी कॉपीराइट हट रहा है। ये क्या है, इसमें वो चल रहा है, इसमें प्रोसेस चल रहा है। हाँ अच्छा जी, क्या कर रहे हो, बुनाई कर रहे हो? और 2-3 वीडियोस और होंगे उस साइड, एक इसमें हो रहा है, इसमें भी हट रहा था उधर में। गाइज ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और इसका इसमें कॉपीराइट आ गया था, मैंने कॉपीराइट हटाया तो देखना क्या हुआ। देखिए साउंड ही गायब हो गया कॉपीराइट हटा के। देखिए मैं बोल रहा हूँ कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है जबकि वॉइस फूली है। तो गाइस मतलब काफ़ी बुरा लगता है ना, इतनी मेहनत करो और लास्ट में कॉपीराइट क्लेम लग जाता है, उसके बाद फिर हटाओ और ऐसी वीडियो ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने आपको दिखाया अभी अपने फर्स्ट ब्लॉग में क्या हुआ था कि इसमें कॉपीराइट लग गया था, और जब मैं हटा मतलब रिमूव कर रहा था तो क्या हुआ कि सॉन्ग में मतलब मेरी वॉइस ही चली गई। सॉन्ग हटना चाहिए ना, वॉइस थोड़ा हटनी चाहिए, तो यही सीन चलता है गाइस। तो मतलब अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो ना तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें कि कौन सा सॉन्ग यूज़ करना है आपको, और एक मतलब कहीं बाद में प्रॉब्लम ना आए बाद में। तो गाइस बाहर बारिश भी स्टार्ट हो गई, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए कितना प्यारा मौसम होता है। गाइज मैं आप लोगों को आदि को दिखाता हूँ, आदि को देखना कितना मस्त तरीके से सोया हो, मस्त सोया होगा और मूवी देख रहा होगा कुछ। ये देखिए गाइज, वाओ ब्यूटीफुल, सोफा लगा रखा मस्त यहाँ पे। यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर में यहाँ इसका चला नारुतो। भाई दिखा दे अपने मेरे सब्सक्राइबर को अपना चेहरा दिखा दे यार, आदि दिखा दे।
ये देखिए गाइस जैसे मुंह निकाल रहा है। हमने पिछले ब्लॉग में क्या बोला था कि गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए तैयार हो रहा है? नहीं, सुबह से गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है भाई। गर्लफ्रेंड से नहीं, लड़की से बात कर रहा बोला मैंने। हां, मेरे को तीन चार लोग तो बैठे यार, किसी ने बताया नहीं भाई, किसी ने बताया नहीं। गाइस मैं क्या था, मैगी लेने और ऊपर आदि को देखने, इसको देखो जरा, इन भाई साहब को देखो, हमने इनको नीचे बैठाया था, इनके बहुत कीड़े होते हैं ना, तो इनको नीचे बैठा रखा और ये ऊपर बैठ गए। भाई साहब क्या हो गया, ऊपर खाए बैठे थे, बारात में आओगे वो कोई हाथों? कैसा लगा मेरा मजाक? जी हमारी बन चुकी है चाय, ठंडा भी मौसम हो रहा बाहर, तो हमने बोला चलो चाय पीते हैं, तो चाय और गुड़। हेलो चाची, लो मम्मी उठो। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदि की नई सिम आ रखी है, तो हम लोग प्रैंक कॉल करे लोगों को, तो लोगों का रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले गुड़िया को करते हैं, देखते हैं उसका कैसा रिएक्शन रहता है, उससे थोड़ा वॉइस चेंज करके बात करेंगे, तो देखना आप लोग भी। तो गाइस हम लोग कॉल करने जा रहे हैं गुड़िया को, जो कि आदि अब वॉइस चेंज करके बात करेगा, तो आप लोग भी सुनना। स्पीकर में, स्पीकर में आवाज चेंज हो रही है दी ले। अरे स्पीकर, अरे तेरे समझ में आ जा रही है, कुछ और बोल। देखो और कर दे, एक और बनाओ। हेलो, मैं बोल रही हूं, बनाओ कानपुर लैंग्वेज में, तेरा दे स्टार्ट हो जाए। पीछे से कुछ नॉइस करूं क्या? पीछे से कोई नॉइस करूं क्या? बिहारी गाना बजा। हां नहीं गाने। हेलो जी, संजना लटवाल से बात हो रही है? कौन है जी? संजना लटवाल से बात हो रही है, मैं यहाँ एम जी यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ। हाँ? आपने कौन सी स्ट्रीम ली थी 12th में? कॉमर्स। अच्छा, तो आपकी 12th में परसेंटेज क्या रही थी? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बोल भी नहीं दिया तब से पागल। अब ना वहाँ बग्गी जा रही है, ऐसे कोई भी बोलेगा सबको बता देगी। जी हाँ, मैंने कॉमर्स लिए हुए। चीख चीख के सबको सारी स्कीमें बता देगी। कमाल, लेट करना चाहिए, ये मेरा नंबर है। तो गाइस गुड़िया को पता चल गया कि आदि बात कर रहा था, आखिर उसकी बहन ही हो तो समझ नहीं था, उसने समझ गई थी वो, तो अब किसी और को कॉल में लाते। तो गाइस गुड़िया को तो कॉल कर दिया, अब हम कॉल करने जा रहे हैं गोलू को, जो कि हमारा कज़न है, बुआ का लड़का, वो रहता है जयपुर में और अपना गैंगस्टर है। अरे बाबा, तो उसका रिएक्शन तो खतरनाक ही होने वाला है, उसको उसका प्रैंक करते उसके साथ तो मजा आने वाला है। लादी माइक लगा ले, स्पीकर उसमें फ़ोन में भी रखना, ठीक है? तो गाइस आदि कॉल करने जा रहा है गोलू को। हेलो जी, अभय बिस्टे से बात हो रही है? जी हम राजस्थान के साइबर सेल डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। अबे यार गोली था यार, गलत बात है यार। अबे प्रैंक फेल, क्यों मेरी आवाज पहचान में आ जा रही है? तो गाइस गोलू ने तो पहचान लिया कि आदि है, अब किसी और को कॉल करते हैं, तो किसी और का रिएक्शन दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस अब हम कॉल कर रहे हैं आदि का दोस्त है, जो साइकिलिस्ट साइकिलिस्ट है, आदि बताएगा उसके बारे में। वो बहुत तगड़ा साइकिलिस्ट है, मतलब अल्मोड़े में सबसे छोटा साइकिलिस्ट है और वैसे राइडर है। हाँ मतलब सबसे कम एज का, सबसे कम एज का यंगेस्ट, वही भी एक ही बात होती है। अब उसको कॉल करते हैं और उसके साथ प्रैंक करते हैं कि तुम गिव अवे जीत गए हो साइकिल का, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। हेलो हेलो हेलो, निखिल विश से बात हो सकती है? यही नहीं, अभी और सुनिए। जी आपने MTV 26T के गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था? हाँ। तो यह हम यहाँ उसकी इंडिया की ब्रांच से बोल रहे हैं। ठीक ठीक बेटे।
हेलो, गौरव भट्ट से बात हो रही? मैं मयंक लोनी बोल रहा हूँ, रिचा लोनी का भाई। मेरी बहन को छेड़ता क्यों है बे? बेटे दिख मत जाइए, दिख मत जाना। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बहुत कंप्लेन आ रही है तेरी। अबे यार गौरव, यार गलत बात है। हमने बहुत सारे लोगों को कॉल किया था, उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाए क्योंकि टाइम हो गया ना, अभी 12 बज गया, तो इस टाइम सब लोग सो ही जाते लगभग, इसलिए ज़्यादा लोग फ़ोन नहीं उठा पाए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को कल, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। और मिलते हैं आप लोगों को कल नए ब्लॉग में, बाय।